नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा चैनल एडमिशन वाला पर। और आप सभी को राजा छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। उनके अतुलनीय परमोच्च कार्य को याद करते हुए, उन्हें एक मानाचा मुजरा करते हुए इस वीडियो में करेंगे शुरुआत। स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन फोटोकॉपी और रिवैल्यूएशन की रिक्वेस्ट आई थी, दोनों भी, मतलब पुणे यूनिवर्सिटी और मुंबई यूनिवर्सिटी दोनों से भी आई थी। लेकिन मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा, मुंबई यूनिवर्सिटी का मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मेरे पास कोई वैलिड डेटा नहीं है। पुणे विद्यापीठ का है तो मैं फिर दिखा रहा हूँ आपको कि ऑनलाइन कैसे रिवैल्यूएशन और फोटोकॉपी के लिए एप्लीकेशन करना है। तो चलिए बिना देरी के करते हैं वीडियो में शुरुआत। तो दोस्तों, आपको पता है कि ये उनका वेबसाइट है पुणे विद्यापीठ का, यहाँ पर जाइएगा आप। यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन सेक्शन में जाने के लिए लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा और जाइएगा आगे। तो जैसे आप आगे जाओगे, ये है उनका एग्जामिनेशन सेक्शन, एग्जामिनेशन का सब डोमेन। यहाँ पे आने के बाद बहुत सारी लिंक आपके लिए अवेलेबल होगी। यहाँ से आपने एग्जाम फॉर्म भरा था तो आपको ये पता भी होगा। और यहीं पर नीचे है लिंक आपको फोटोकॉपी और रिवैल्यूएशन पर, यहाँ पर क्लिक कर कर आप जाइएगा आगे। तो आगे जाने के बाद आप जाओगे उनके इस पेज पर, यहाँ पे पूरे इंस्ट्रक्शन वहाँ पे दिए हैं। आप उसे, अगर आप उसे केयरफुली पढ़ोगे तो आपको सारी बात समझ में आएगी। और आप यहाँ जाकर, यहाँ पे दो उन्होंने सेक्शन अलग अलग किए। आप अगर नॉन इंजीनियरिंग कोर्स पढ़ रहे कर रहे हैं और नॉन इंजीनियरिंग कोर्स के लिए अगर आप अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं फोटोकॉपी और रिवैल्यूएशन के लिए, तो यहाँ पर ये लिंक है, यहाँ पर आप जाकर जा सकते हो वहाँ पे। और अगर आप इंजीनियरिंग कोर्स में पढ़ रहे हो तो फिर आपको सेपरेट लिंक प्रदान किए, वहाँ पर जाकर आप वहाँ उसे अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए दोनों भी देखते हैं। इंजीनियरिंग का है, इंटरफेस आप देख लीजिए सेम है। यहाँ पे सिर्फ कोर्सेज, पूरे इंजीनियरिंग रिलेटेड कोर्सेज यहाँ पे लिस्टेड है। आप वहाँ कर जाकर जो भी आपका कोर्स है उसका स्टार्ट डेट और एंड डेट देख लीजिएगा, उसके पहले ही आपको ये ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है। इंजीनियरिंग एफ ए के बारे में अगर हम सोचें तो उनको 23 तारीख से पहले एप्लीकेशन भरना है। बहुत सारे लोगों का 17 तारीख था। तो ए सी टी को तो पता है कैसे भरना है, ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम आता है, फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग वालों को या फिर फर्स्ट ईयर जो भी कोर्स कर रहे हैं नए कोर्स, उनको ही थोड़ा प्रॉब्लम आता है कि ऑनलाइन फोटोकॉपी और या फिर जो पहली बार ये कर रहे हैं रिवैल्यूएशन, उनको ही, बाकी को मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम आएगा। आप यहाँ पर जाकर देख सकते हैं कि उसे कैस, आपकी लास्ट डेट क्या है वो पहले जान लीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको अगर इंजीनियरिंग आप कोर्स कर रहे हो तो आपको पहले फोटोकॉपी ही मंगानी पड़ेगी, डायरेक्ट आप रिवैल्यूएशन नहीं कर सकते। आपको पहले फोटोकॉपी या स्कैन कॉपी, जिसे आपके लॉगिन मेल आईडी पे वो भेजते हैं स्कैन करके आपकी आंसर शीट का कॉपी, तो वो आपको पहले मंगाना पड़ती है। अगर उसमें आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो फिर आप रिवैल्यूएशन के लिए जा सकते हैं। डायरेक्ट आप रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, आपको पहले फोटोकॉपी के लिए ही एप्लीकेशन करना पड़ता है। तो ये इंटरफेस है। दूसरी बात, अगर नॉन इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए जाए, दूसरी जो कोर्सेज हैं उनके लिए जाएंगे तो वो ये ऐसा इंटरफेस है, उनके लिए सेम इंटरफेस है। लेकिन सिर्फ आपको यहाँ पे जाकर देखना है कि आपकी लास्ट डेट क्या है, स्टार्ट डेट कब हुआ है आपका रिवैल्यूएशन ऑनलाइन फॉर्म, और लास्ट डेट क्या है। बाकी की ये रेड में लिखे हुए इंस्ट्रक्शन आप केयरफुली पढ़िएगा, आपको बातें समझ में आएगी। तो चलिए एक फॉर्म मैं आपको भर के दिखाता हूँ, इंजीनियरिंग का मैं आपको फॉर्म भर के दिखाता हूँ। आपको अगर अगले पेज पर चले गए तो फिर आपको यहाँ पे पहले साइन अप करना पड़ेगा। यहाँ से आप साइन अप के लिए जा सकते हो, यहाँ पे जाइएगा, क्लिक हियर टू साइन अप के लिए। वहाँ पे जाने के बाद आपको एक पीआरएन नंबर और सीट नंबर पूछेगा। तो आपको पीआरएन नंबर, पहली बार अगर आपने एग्ज़ाम दी है तो आपका रिजल्ट तो आया होगा, रिजल्ट पे ही आपको वो देखने को मिलेगा। सीट नंबर आपके रिजल्ट पे अवेलेबल, ये दोनों भी चीज़ें, पीआरएन और सीट नंबर, ये दोनों भी आपके मार्कशीट पर अवेलेबल है। तो मार्कशीट पर देखते हैं कहाँ पे। तो जनरली ऐसी मार्कशीट होगी, ये एफ ई की मार्कशीट है। एफ ई, अगर आप अभी अभी एफ ई का रिजल्ट देख रहे हैं तो फिर एफ ई का रिजल्ट ऐसा होगा। और यहाँ पे पहले ही लाइन पर आपके नाम के पहले ही आपको सीट नंबर और पीआरएन नंबर दोनों मिलेंगे। जनरली इस साल पीआरएन और सीट नंबर एक ही है, तो वो दोनों आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। पीआरएन भी सेम होगा, आपका सीट नंबर भी सेम होगा। अगर आप एफ ई की मैं बात कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग की, तो दोनों भी सेम है। प्रोसीड पे क्लिक कर कर आप जा सकते हो आगे। जब आप आगे जाओगे तो फिर आपका बाकी का डेटा फेच करेगा आपके एग्जामिनेशन फॉर्म से। आपको ईमेल आईडी यहाँ पे दिखाई देगा, आप वेरीफाई कीजिएगा, मोबाइल नंबर भी आपका यहाँ पे होगा। और फिर आपको आगे जाकर आपका एग्ज़ाम सेलेक्ट करना है। आप एग्ज़ाम, आपको डिफ़ॉल्ट वहाँ पे एक ही होगा FE19, उसे आप सेलेक्ट कीजिएगा। आगे जाने के बाद आपको आपका एक यूज़र नेम आपको देना है और पासवर्ड देना है। याद रखिएगा, आपको हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम फॉर्म भरा था वो अलग होगा, यहाँ पे अलग होगा। याद रखिए कौन सा आपने यूज़र आईडी और पासवर्ड दिया है। ये सब होने के बाद आप जाइएगा यहाँ पे, तो फिर आपको लॉगिन करना है। आपने जो अभी अभी क्रिएट किया है लॉगिन आईडी और पासवर्ड, उससे आप यहाँ पे लॉगिन कीजिएगा।
लॉग इन करने के बाद आप जाइएगा आगे, यहाँ पे ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, यहाँ से आप लॉग आउट कर सकते हो। यहाँ पर जाकर आप पढ़ लीजिएगा कि आपको क्या क्या स्टेजेस है, क्या क्या करना है, और यहाँ पे तीन ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है फिलहाल, रिवेल्यूशन ऑफ एंसर, रिवेल्यूशन का और फोटो कॉपी आफ्टर रिवेल्यूशन, मतलब आपका जब फोटो कॉपी आने के बाद, सॉरी रिवेल्यूशन आफ्टर फोटो कॉपी, वो दोनों ऑप्शन फिलहाल बंद हो गए क्योंकि अभी आप सिर्फ फोटो कॉपी के लिए एप्लीकेशन कर रहे हो। वो जब आएगा तो उसके बाद 10 दिन के अंदर आपको फिर से रिवेल्यूशन के लिए यहाँ पे क्लिक कर कर आप उसे कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको आपका फोटो कॉपी आने देना होगा। और फिलहाल फिर अभी एक ही ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे, तो उसे आप क्लिक कीजिएगा और फिर जाइएगा आगे। यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा, यहाँ उसको आप यहाँ पे क्लिक कर कर आप टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट कीजिएगा और प्रोसीड पे अगर क्लिक कर कर आप जाइएगा आगे। तो आगे जाने के बाद आपको आपका इंटर जो फॉर्म की इन्फॉर्मेशन, आपकी एग्ज़ाम की इन्फॉर्मेशन, वो आपने आप यहाँ पे लेगा, एक बार चेक कीजिएगा। यहाँ पे आपका पूरा कम्युनिकेशन एड्रेस आप डाल दीजिएगा, बाकी की इन्फॉर्मेशन चेक कीजिएगा। यहाँ पे सब्जेक्ट लिस्टेड होंगे जो 70 अबव, मतलब जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम जिसे हम बोलते हैं एंड सेम एग्ज़ाम बोलते हैं, उनके जो अबव 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। कुछ स्टूडेंट्स का ऐसा हुआ है रिजल्ट में अलग, और यहाँ पे वो रिवेल्यूशन के लिए जाए तो वहाँ पे अलग मार्क्स दिखाई दे। अगर ऐसा किसी के बारे में होता है तो फिर आपको विद्यापीठ को कम्युनिकेशन करना होगा। रिजल्ट में अलग हुआ है कुछ स्टूडेंट्स का कि रिजल्ट में अलग दिखा रहा है और यहाँ पे अलग दिखा रहा है, तो आप विद्यापीठ को कम्युनिकेट कीजिएगा। जो जो सब्जेक्ट का आप फोटो कॉपी मंगाना चाहते हैं यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, जिस जिस सब्जेक्ट का आप मंगाना चाहते हो, और उसके बाद यहाँ पर आप क्लिक कर कर सबमिट बटन पर चले जाओगे, तो फिर आप इस पेज पर आओगे, डायरेक्ट पेमेंट के पेज पर आओगे। आप दो प्रकार से पेमेंट यहाँ पे कर सकते हो, ऑनलाइन यहाँ पे आप क्रेडिट डेबिट या फिर नेट बैंकिंग, मतलब क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग, ये तीन ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल। यूपीआई का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, अगर आपके पास डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग नहीं है तो आप यूपीआई से पेमेंट नहीं कर पाओगे। आपकी दोनों तीनों आप गेटवे से कर पाओगे, सिर्फ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग से, या फिर आपको कैश भरनी होगी बैंक में जाकर, उसका चलन जनरेट करना होगा। यहाँ मैं आपको ऑनलाइन पेमेंट का दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आपको फिर मोड आपको सेलेक्ट करना होगा, जैसे आप मोड सेलेक्ट करोगे तो फिर यहाँ पे वो बटन एक्टिवेट हो जाएगा ऑनलाइन पेमेंट के लिए। अगर आपने कैश चूज़ किया तो फिर आपका चलन जनरेट होगा, एक आरटीजीएस चलन जैसा चलन होता है, वहाँ पे तीन कॉपीज आपको एक बैंक की एक विद्यापीठ आपकी कॉपी होगी क्रिएट, उस बैंक में जाकर आपको उतना पैसा आपको भरना होगा। तो मैं यहाँ पे ऑनलाइन का दिखा रहा हूँ, जैसे आप क्लिक करोगे जाओगे आगे तो फिर ये पेज आपके लिए ओपन होगा। यहाँ पे आपका एड्रेस बाकी की इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी, ये बात का जो एड्रेस है, एड्रेस लाइन 2 और बाकी के नहीं भरा तो भी चलता है, और फिर आप प्रोसीड पेमेंट कर कर जाइएगा आगे। आगे जाने के बाद इस प्रकार का पेज आपके लिए अवेलेबल होगा। यहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड है तो यहाँ से आप डालकर इन्फॉर्मेशन भर कर जा सकते हो आगे, डेबिट कार्ड है तो यहाँ से भरिएगा, नेट बैंकिंग के लिए जा रहे हैं तो यहाँ से आप पेमेंट कर दीजिएगा। पेमेंट अगर आपका फेल होता है किसी कारण, तो यहाँ पे आपको जब उनकी ऑनलाइन पेमेंट डिटेल्स जब जनरेट होगी आपका पेमेंट होने के बाद, तो फिर यहाँ पे वो दिखाएगा कि आपका पेमेंट स्टेटस फेल्योर है, या फिर कैप्चर्ड अगर आ गया आपका पेमेंट का डेटा, उन्होंने कैप्चर कर दिया तो आपको वहाँ पे दिखाई देगा फिलहाल मेरा पेमेंट फेल हुआ है। तो जब मैं वापस आकर फिर से मैं लॉग इन करूँगा, अगर किसी का होता है फेल, तो फिर आप जब फिर से लॉग इन करोगे तो यहाँ पे आपका रिकॉर्ड क्रिएटर आपको मिलेगा कि आपका यहाँ पे रिकॉर्ड क्रिएट हुआ है, और पेमेंट का स्टेटस वो दिखाई देगा कि उनको अभी तक पेमेंट रिसीव नहीं हुआ है। यहाँ से आप पेमेंट मोड चेंज भी कर सकते हो, यहाँ पे अगर आपको लगता है कि अभी ऑनलाइन पेमेंट नहीं हो सकता मुझे, चलो जाकर मैं भर दूंगा, तो यहाँ पे क्लिक करके अब आप चालान पे भी जा सकते हो और चालान जनरेट करके ऑनलाइन भी पेमेंट भर सकते, सॉरी बैंक में पेमेंट भर सकते हो कैश पेमेंट। और अगर आपको फिर से एक बार ट्राई करना है कि चलो पिछली बार कुछ प्रॉब्लम हुआ था, तो आप यहाँ से जाकर उसे कंप्लीट कर सकते हो। तो चलिए फिर जाएंगे कंप्लीट के लिए। जब आप वहाँ पे जाओगे फिर से वही होगा, इंटरफेस वगैरह बाकी सब वही होगा। कंप्लीट होने के बाद जब आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे कैप्चर्ड आएगा, आपका पूरा डेटा उन्होंने कैप्चर कर लिया है, पेमेंट सक्सेसफुली हो गया है। और फिर हमारे लिए यहाँ पे अगर पीछे जाना चाहते हैं तो होम पेज पे क्लिक कीजिएगा, आप एप्लीकेशन प्रिंट करके रख सकते हैं, और पेमेंट का रिसिप्ट आप क्लिक करके उन दोनों को भी आप स्टोर कर रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने रिसिप्ट डाउनलोड किया है, तो इस प्रकार का रिसिप्ट आपका डाउनलोड होगा, यहाँ पे आपका स्टेटस भी दिखाई देगा आपको। मैंने दो सब्जेक्ट के लिए किया था, तो दोनों का वहाँ पे दिखा रहा है कि मैंने ये एक सब्जेक्ट और फिजिक्स दोनों के लिए अप्लाई किया था, दोनों की भी यहाँ पे मुझे रिसिप्ट बता रहा है। इस फॉर्म को आपको कहीं भेजने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपके पास ही रख दीजिएगा, कुछ दिनों के बाद आपके मेल पर स्कैन कॉपी जो आपने मेल दिया है वहाँ पे
पहले जब आप एप्लीकेशन जनरेट कर सॉरी यूज़र नेम जब क्रिएट करते थे उस समय जो आया था मेल आईडी, उस पर वो आपका स्कैन कॉपी भेज देंगे आंसर बुक्स का। तो ये आपको कहीं भेजने की ज़रूरत नहीं है। जब आपका पूरा हो जाएगा, आप अगर लॉग इन करोगे फिर से तो यहाँ देख पाओगे। और याद रखिएगा स्टूडेंट्स, आप एक ही बार एप्लीकेशन कर पाएंगे। जितने सब्जेक्ट को आपको फोटो कॉपी या फिर रिवेलेंस के लिए डालना है फ्यूचर में, तो आपको सभी जो सब्जेक्ट है जितने भी करना है आपको, ऐसा नहीं होता कि एक बार मैंने एक मांग लिया फिर अभी मुझे लगा कि नहीं दूसरा भी मैं मांगता हूँ, तो थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो दूसरा एप्लीकेशन वो यहाँ पे नहीं करने देता क्रिएट। तो आप एक ही बार जितने आपको सब्जेक्ट के लिए आपको अप्लाई करना है वो सेलेक्ट कीजिएगा और फिर उसे क्लिक कर कर आगे जाइएगा और क्रिएट कीजिएगा फॉर्म। यहाँ पे आप जब आप लॉग इन करोगे तो यहाँ पे आपको स्टेटस दिखाई देगा कि पेमेंट मेरा रिसीव्ड हो चुका है, और यहाँ से मैं आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी डाउनलोड कर सकता हूँ और यहाँ से रिसिप्ट भी, पेमेंट की रिसिप्ट भी यहाँ से डाउनलोड कर सकता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर करने में कोई हर्ज नहीं है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा जाते जाते कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।